नमस्कार दोस्तों, दमिताज किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक पुडिंग बनाने जा रहे हैं और उस पुडिंग में कुछ ट्विस्ट हैं कि हम लोग उसमें सेवियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा बिस्किट इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही यमी पुडिंग बन के रेडी होती है और आप इंस्टेंटली, जैसे आपके घर में कभी कोई मेहमान आ रहे हैं या बच्चों को एकदम से मीठा खाने का मन करता है या आपको ही कभी मीठा खाने का मन करता है, तो आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनती है ये पुडिंग? आज हम एक पुडिंग बना रहे हैं और इस पुडिंग में हम यूज़ करेंगे सेवैयाँ का। तो मैंने ये बारीक वाली, बिल्कुल महीन वाली ये सेवैयाँ ली हैं और इसके साथ मैंने ये 5 रुपये वाला पार्ले जी का बिस्किट पूरा पैकेट लिया है और 3 से 4 इसमें बारवन बिस्किट है, 2 चम्मच शक्कर का क्रश्ड है, मतलब क्रश्ड शुगर है ये, और 2 बड़े चम्मच भर के इसमें मिल्क पाउडर है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हमने घी गर्म रख दिया है और ये जो सेवैयाँ हैं इसको ऐसे आप बारीक एकदम थोड़ा सा हाथ से ऐसे कर लीजिएगा जिससे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। और घी के अंदर हमें अब डालना है ये सेवैयाँ, ये जो हमने तोड़ करके रखी है, और इनको इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा रोस्ट करना है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, हालांकि ये जो सेवैयाँ मैंने लेके रखी है ये ऑलरेडी हल्की सी सिकी हुई है, इसका कलर हल्का सा ब्राउन है, फिर भी इसको हल्का सा 1-2 मिनट के लिए इसमें चलाएंगे घी के साथ। 1 चम्मच घी ले लीजिएगा और इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत जल्दी लाल हो जाती है। 1-2 मिनट चलाने के बाद में हमें इसमें डालना है ये शुगर, इसमें पीसी हुई शुगर ही डालेंगे क्योंकि पिसी हुई शुगर ये जल्दी से इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें शुगर डाला है और मिल्क पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच भर के, इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए चलाना है ताकि इसमें एक जैसा ना हो जाए कलर, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें सेवैयाँ के साथ। और इसको लगातार चलाते रहना है जिसमें ये जो शुगर है इसमें हल्की सी मेल्टेड होने लगेगी। अब हम गैस को ऑफ करेंगे, देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है और मैं इसको लगातार चला रही हूँ और लगभग 1-2 मिनट के बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। और अब ये हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे और सेवैया निकालने के बाद उसी बर्तन में हम थोड़ा सा दूध गर्म रखते हैं क्योंकि हमें एक लेयर बनानी है मिल्क वाली। तो इसके लिए मैंने मिल्क अंदाज से डाला है ये 1 छोटा ग्लास भर के, और उसके साथ मैंने फ्रेश मलाई पूरी डाल दी है 1/2 किलो दूध की। ये जो मिल्क है इसको अच्छे से चलाते रहना है और उसको हल्का गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, हल्का गाढ़ा करना है। और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कस्टर्ड। तो जब तक ये मिल्क उबल रहा है तब तक मैं बिस्किट को क्रश करूँगी। ये जो बिस्किट है इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है, एकदम महीन चूरा बना देना है। और ये 1 चम्मच कस्टर्ड है, इसको मैं इसमें ठंडा दूध डाल के इसको घोल लेती हूँ तब तक। और मिल्क हमारा थोड़ी देर को हो गया, हम इसमें थोड़ा सा ही जो 1 चम्मच भर के मैं कस्टर्ड लिया था इसको डालेंगे और इसको एक बार अच्छे से चला देंगे। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है पर हल्का सा कस्टर्ड डाल रहे हैं जिससे थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा ये खाने में थोड़ा ग्रीसी हो जाए, टेस्टी लगे खाने में, इसलिए इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो मिल्क को ही खूब सारा गाढ़ा कर सकते हैं, कस्टर्ड अवॉइड भी कर सकते हैं। बस ये पुडिंग है तो पुडिंग में एकदम रिचनेस लगना चाहिए इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। और बस इसको लगभग 1-2 मिनट के बाद हम बंद कर देंगे। तब तक हमारा, जब तक ये ठंडा होगा तब हमने ये बिस्किट को भी इसका क्रश निकाल लिया है और ये सेवैयाँ भी हमारी हो गई है। और बस अब इसको सेट करेंगे, इसको बस 1-2 मिनट के बाद मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब मैं इसको हो गया ये, अब इसको बंद कर रही हूँ। और जब तक मिल्क ठंडा हो रहा है तो हम अपना ये जो पुडिंग जिस हमको ट्रे में डालना है, तो मैंने ये छोटा वाला बाउल लिया है, आप चाहें तो बड़ी ट्रे में भी डाल सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से स्प्रेड कर देना है इसमें 1 लेयर, इस तरह से डाल दीजिए, ज़्यादा कम, जितना मोटा आपको लेना हो उस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास लंबा वाला, अगर आपके पास इसके जगह लंबा वाला मोल्ड हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। उस तरह से अच्छे से डाल दीजिए और इसके बाद एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास के सबसे पीछे से उसको ऐसे दबाते हुए उसको अच्छे से सेट करना है। जैसे सेट हो रही है इसे अच्छे से चारों तरफ से सेट कर दीजिए। देखिए अच्छे से सेट हो जाना चाहिए, इस तरह से हिलाने पे भी हिलना नहीं चाहिए। तो ये सेट हो गया, अब इसके ऊपर ये जो हमने बिस्किट का क्रश निकाला था इसको डालेंगे 1 लेयर। और बिस्किट का लेयर डालने के बाद भी सेम प्रोसेस करना है आपको, ऐसे ग्लास से चारों तरफ इसको ऐसे प्रेस करते हुए दबा देना है अच्छे से। और इसके ऊपर हम ये डालेंगे जो हमने दूध बनाया था ठंडा करके रख लिया था मैंने इसको, अब इसको डालेंगे लगभग अच्छे से डालिएगा इसको 1 लेयर, इसका भी डालना है। और इसके ऊपर हम डालेंगे ये सेवैयाँ जो हमने रखी थी, ऐसे स्प्रेड करना है क्योंकि दूध गाढ़ा है तो ये सेवैयाँ ऊपर ही रह जाएगी। अब उसमें आराम से चारों तरफ इसको अच्छे से स्प्रिंकल करना है, इसको स्प्रिंकल कर लिया है मैंने। और इसके ऊपर बिल्कुल ज़रा सा थोड़ा सा मिल्क एकदम हल्का सा और डालेंगे, हल्का सा एकदम, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये एकदम अंदर चला जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा मिल्क और डाल रहे हैं। और ये बहुत ही टेस्टी पुडिंग लगती है खाने में, आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बना के खाने का मन करेगा। तो मैं इसमें सारा इसमें धीरे धीरे करके डाल देती हूँ, हल्का हल्का सारा पूरा कवर कर दीजिएगा। और अगेन इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ये बिस्किट का जो चूरा है, थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ। और देखिए अच्छे से पूरा अच्छे से सेट हो गया है, आप नीचे से देख सकते हैं इसकी बहुत सारी लेयर्स। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी डार्क चॉकलेट जो मैंने मेल्ट करके रखी है ऑलरेडी, तो इसको थोड़ा सा इसमें सजा देंगे डार्क चॉकलेट से। और ये बहुत ही यमी डेजर्ट है खाने में,
और बहुत ही बच्चों को पसंद में पसंद भी आता है, तो आप ज्यादा कम जैसा आपको लगे। मैं इसको थोड़ा ज्यादा डालूंगी इसके ऊपर, और हमने इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डाल दी है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, क्योंकि इसको अभी हमको ठंडा करने रखना है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो मैं इसमें बहुत सारे इसमें काजू और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पिस्ता और इसके अलावा आपको जो भी नट्स आपको खाने में अच्छे लगे वो डाल सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी पुडिंग है खाने में। और लास्ट में हम इसमें डालना थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये ऑप्शनल है, मेरे पास अवेलेबल थी मैंने डाल दी है, और ये बिल्कुल बनके रेडी है। देखिए पास से इसकी बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेगी एक के बाद एक के बाद एक। और अब हम इसको लगभग 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर जो भी फ्रिज का हो, 3 से 4 स्पीड में इसको रखेंगे, और 3 से 4 घंटे के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और फिर ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा खाने में। तो ये 3 से 4 घंटे के बाद ये रेडी होता है, मैं दिखाती हूँ। और 4 घंटे के बाद देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है, और मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको, ये बहुत ही टेस्टी बना है, मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है, आप आज से देखिए, और इसको इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाएगी, और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे कप्स ले लीजिए उसमें भी आप डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पुडिंग है ये, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये आप जिनको शुगर फ्री जो डाइट लेते हैं उनको भी थोड़ा सा दे सकते हैं, और जो मैंने स्टार्टिंग में शुगर का इस्तेमाल किया था आप चाहें तो वो भी स्किप कर सकते हैं, उसके जगह शुगर फ्री ही ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये पुडिंग बनकर रेडी है, तो देखते रहिए मेरा चैनल डिशेस विद अनिता किचन, एंड एंजॉय करिए इस तरह की नई नई रेसिपीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।